एक बार फिर स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी बेसन के गट्टे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों आगे भी आपको मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो आइए बनाते हैं राजस्थानी बेसन के गट्टे। तो उसके लिए सामान चाहिए, 250 ग्राम बेसन लिया है, हरी मिर्च कटी हुई, हींग पानी में घोल लिया हमने, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, जीरा, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तेल, धनिया बारीक कटा हुआ और प्याज। तो सबसे पहले हम बेसन को गूंथ लेंगे। बाउल ले लेंगे, उसमें बेसन डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, तेल डालेंगे। अब इसको पहले तो अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हम हींग डालेंगे, हींग का पानी घोल रख, हींग में पानी घोल रखी थी हमने, उसे डालेंगे और इसको मिला लेंगे। ये मिल चुका है, इसमें पानी डाल के घूटेंगे हम इसको। ना ही ढीला घुटना है ना टाइट घुटना है, हमें ऐसा घुटना है कि इसकी लोइयां हो जाएं। इसकी लोइयां होंगी, इसको हम पानी, लोइयों को पानी में बॉईल करेंगे। आटा घुट चुका है बेसन का हमारा, अब इसकी हम लोइयां कर लेंगे तरीके से। हम लोइयां करेंगे इसकी इस तरीके के, हम इसको कर लेंगे। अब इनको हम पानी में बॉईल करेंगे। कढ़ाई रख ली है हमने, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम गट्टे डालेंगे। अब इसको हम कम से कम 20-25 मिनट तक बॉईल होने देंगे। देखिए गट्टे हमारे बॉईल हो चुके हैं, बॉईल देखिए ऊपर आ चुके हैं हमारे, और देखिए गट्टों में देखिए फुंसियां आ गई हैं, ये देखिए। अब इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब इनको हमने निकाल लिए हैं पानी में से, अब इनको ठंडे होने देंगे और इनका पानी हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम सब्जी में पानी का उपयोग करेंगे। हमारे बेसन के गट्टे ठंडे हो चुके हैं, अब इनको हम काट लेंगे। ऐसे हम सभी को काट लेंगे। हमारे गट्टे कट चुके हैं, अब इसके हम पहले, सबसे पहले गट्टों को भूंज लूंगी मैं इसको, गट्टों को भूंज लेंगे, फिर उसके बाद सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई रख ली हमने, इसमें तेल डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गट्टों को भूंजेंगे, इसको भूंज लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए। अब इसको हम निकाल लेंगे, भुन चुके हैं। कढ़ाई रख ली है, इसमें तेल डाल देंगे, तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे, प्याज है हमने ग्राइंड कर ली है, हमने हरी मिर्ची ग्राइंड कर ली थी। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, नमक थोड़े ही डाल रहे हैं हम, गट्टों में भी हमने नमक डाला है, इसको हम अच्छी तरीके से भूंजेंगे।
मसाला भुन चुका है, अब इसमें गट्टे डालेंगे। इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हम गट्टों में पहले उबाल रखा था वो वाला डालेंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे धीमी आंच पर। राजस्थानी बेसन के गट्टे बनके तैयार हैं हमारे। अब इसमें अमचूर की खटाई डालेंगे। धनिया काटेंगे डालेंगे बारीक कटा हुआ, मिला लेंगे इसको। सब्जी बनके तैयार है हमारी राजस्थानी बेसन के गट्टे की। अब इसको हम निकाल लेंगे, सर्व करेंगे इसको। अब खाने में बहुत ही अच्छी लगती है गट्टे की सब्जी। सब्जी हमारी बेसन की गट्टे की सब्जी बनके तैयार है। बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।